दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के अंदर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू होने वाली है और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को, लड़कियों को 1500 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक सामाजिक पुनर्वसन करणे, राज्यातील महिला स्वावलंबी आत्मनिर्भर करणे, राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे, महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थिती सुधारणा करणे। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस योजना का स्वरूप क्या है। योजना का स्वरूप मतलब किस तरह से जो है आपको 1500 रुपये किस तरह से मिलने वाले हैं। तो पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण सक्षम बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये इतकी रक्कम दिली जाईल। मतलब अगर आपने फॉर्म भरा है और आप पात्र हो जाते हैं तो जो भी पात्र रहेगा तो उनको उनका जो आधार कार्ड आधार नंबर जिस बैंक से लिंक रहेगा उसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उनको 1500 रुपये महीने के उनको उनके खाते के अंदर मिल जाएंगे। योजनेचे लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्ष वयोगटातील विवाहित विधवा घटस्फोटित परित्यक्ता आणि निराधार महिला। मतलब इस योजना के जो लाभार्थी है कौन कौन है, तो सबसे पहले जो उम्र है वो है कम से कम 21 और ज़्यादा 60, 21 से लेकर 60 वर्ष के बीच की जो महिला है, ठीक है, फिर वो विवाहित हो, विधवा हो, घटस्फोटित हो, परित्यक्ता हो और निराधार, इनको इस योजना का डायरेक्ट जो है लाभ मिलने वाला है। योजनेच्या लाभार्थ्याची पात्रता, अब इस योजना का जो लाभ जिसको मिलेगा उसकी पात्रता क्या है, इस योजना को पाने के लिए आपको क्या पात्रता आपके पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले है लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक है। तो सबसे पहला यह है कि यह महाराष्ट्र राज्य की योजना है तो आपको महाराष्ट्र राज्य का रहिवासी होना जरूरी है। दूसरा है राज्यातील विवाहित विधवा घटस्फोटित परित्यक्ता आणि निराधार महिला, ठीक है। किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, मतलब कम से कम जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष। सदर योजना अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे। तो भाई जिसको लाभ लेना है जिस महिला को, तो उसका जो है बैंक के अंदर जो है अकाउंट होना ज़रूरी है, उसके पास में बैंक की पासबुक होना ज़रूरी है और उस बैंक में उसका आधार कार्ड जो है अपडेट होना, लिंक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रकम ₹2.5 लाखापेक्षा जास्त नसावे। और जो मेन पॉइंट ये है कि भाई जो भी लाभार्थी है, जो भी इसको इस स्कीम का लाभ लेगा, तो उसका जो कुटुंब का एकूण वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपात्रता क्या है, कौन कौन जो है इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकता, क्या इसकी अपात्रता है, वो भी यहाँ पे दिया है। ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, म्हणजे जिनके वार्षिक उत्पन्न जो है कुटुंब का वो 2.5 लाख से ज़्यादा है उनको नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट है ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता है। आयकरदाता मतलब भाई जो ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स वगैरह जो देते हैं, तो कुटुंब के सदस्य, उनको भी ये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहे किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन घेत आहेत परंतु बाह्य यंत्रणांद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत। सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे ₹1500 पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल। ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार आमदार आहे, ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन बोर्ड, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत, ज्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे 5 एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, ज्यांच्याकडे 4-चाकी वाहने, ट्रॅक्टर वगळून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे। सदर योजनेच्या पात्रता व अपात्रता निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेऊन शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या पात्रता और क्या अपात्रता है। अब यहाँ पे जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके भी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो 8 डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए। सबसे पहला है योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अर्ज करना है। दूसरा है लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, भाई जो इस स्कीम का लाभ लेगा उस महिले का आधार कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद में थर्ड है जो है महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाण पत्र, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो फिर महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे सक्षम प्राधिकारी यानी दिलेला कुटुंब प्रमुखांच्या उत्पन्नाचा दाखला, इनकम सर्टिफिकेट लगना है जो 2.5 लाख तक होना जरूरी है, ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत और जो बैंक अकाउंट है उसके पासबुक की पहले पन्ने की जो है आपको झेरोक्स कॉपी निकालना होगा।
पासपोर्ट आकार का फोटो, एक पासपोर्ट पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, रेशन कार्ड राशन कार्ड की जेरोक्स लगेंगी, सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करने बाबतचे हमीपत्र, ठीक है, और एक हमीपत्र जो है आपको देना पड़ेगा। तो भाई इस तरह के जो है और डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद में लाभार्थी चिन्ह निवड वगैरह जो है इसका भी पूरा यहाँ पे जो है दोस्तों टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में फॉर्म्स वगैरह कब भरे जाएंगे, किस तरह से कि भरे जाएंगे, इसका भी जो है पूरा जो है शेड्यूल यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है इस जीआर के अंदर। ओके, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अर्ज कब से जो है प्राप्त, अर्ज प्राप्त करने शुरुआत, अर्ज कब से आपको जो है भरना शुरू होगा, ठीक है, और कब तक ये सारा यहाँ पे शेड्यूल पूरा दिया गया है, ठीक है। तो इस जीआर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।